हाय फ्रेंड, मैं सपन मातो और आप देख रहे हैं एनिमल हटली चैनल। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ अमित दा के फार्म के, देख पा रहे हो तो आप उसे बात करा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अमित भाई, आपके फार्म में कितने चूजे हैं टोटल? टोटल मेरा 1800। इसमें से मोर्टालिटी कितना हो रहा है डेली? डेली हो रहा है 5-6 पीस। इसका मतलब टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ओजन, एवरेज ओजन कितना है आपका फार्म में? आपका होगा 500। एवरेज ओजन 500-400 ऐसा होगा क्या? आप तो कंपनी का माल करते हैं क्या? कौन सा कंपनी का करते हैं? शालीमार। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो शालीमार का माल का ये चूजे इस बार छड़ा हुआ है। टोटल चूजे 1800, उसमें से कुछ चूजे का मोर्टालिटी हो रहा है, टेम्परेचर नहीं हो रहा है ठीक ठाक मेंटेन्स विंटर सीजन का, और ये कच्चा फार्म है। तो आपका फार्म में कितना खर्च हुआ बनाने में टोटल? हुआ 1,99,000 टोटल। 2000 का सेट है लगभग। तो दोस्तों, देख पा रहे हो चूजे, पास से दिखा रहा हूँ, बेहतरीन चूजे है, लेकिन मैनेजमेंट के अभाव में थोड़ा थोड़ा मौत हो रहा है, उसे कुछ दिक्कत नहीं। तो आपके फार्म में भी कुछ दिक्कत है तो कमांड में ज़रूर पूछे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अमित भाई के फार्म में देख पा रहे चीज़ें बहुत बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है। तो विंटर सीजन में छाड़े तो पहले ही ध्यान रखें, सर्दी का दिक्कत सीआरडी का ज़्यादा आता है, तो इसका इलाज जरूरी है भाई। तो आप ये मेंटेन्स करके रखें, सीआरडी सर्दी आए तो आपके फार्म में तो पहले से इसका जो बीमारी है उसका औषध सीआरडी सर्दी का, हम एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से अपलोड किया हूँ, उस वीडियो को देख लेना ठीक से। और चूजे छाड़े और टेम्परेचर जरूर मेंटेन करें, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो बीमारी आएगा आपका फार्म में, बीमारी आएगा तो मोर्टालिटी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो अभी कुछ बीमारी नहीं दिख पा रहा हूँ मैं, सर्दी वर्दी चूजे बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है, आप देख पा रहे हो। तो आपका फार्म में कुछ दिक्कत है तो कमांड में ज़रूर पूछे भाई, और पूरा फार्म दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये डिवाइडेड ऐसे डिवाइड करिए ताकि एक जगह से दूसरे जगह में भाग हो के रहे चूजे, और दौड़ने के लिए जगह ज़रूर दे। और टेम्परेचर, खास करके टेम्परेचर का जो दिक्कत आता है वो ज़रूर आप देखें भाई, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो बीमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये खास करके ध्यान जरूर रखें, बीमारी का इंतजाम से, बीमारी का जो दिक्कत आता है उसका इंतजाम तुरंत करें, सीआरडी कॉल आ गई तो उसका ज़रूर इलाज करें, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय।